Good morning, all of you. I am Neha. I hope you all are good. Today, I am describing an activity related to our Independence Day. Material which are required: notebook, next pencil, eraser, scale, Fevicol. If you have pencil color, you can use it. Otherwise, you can also use a crayon. Okay. Then you need some rice, which is white one. ग्रीन वन, रेड, ऑरेंज वन एंड ब्लू वन. ये सब वाइट में ही थे. हमने क्या किया है, पहले इनको कलर किया है. जो भी आपके पास पेंट कलर अवेलेबल हो, आप उससे राइस को कलर कर सकते हो. अगर आपके पास वो भी अवेलेबल नहीं है, तो आप मसूर दाल जो आपके घर में मिलेगी, वो आप मसूर दाल को ले सकते हो, क्योंकि वो किस कलर की होती है, ऑरेंज कलर में. नेक्स्ट क्या है, आप ग्रीन कलर ले सकते हो. जो मूंग दाल होती है, वो ग्रीन कलर में होती है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो ग्रीन कलर के लिए. ठीक है, पेस्ट करने के लिए. देन आपको वाइट राइस तो मिल ही जाएगा. ओके, आप फिर क्या करोगे, चावल को ब्लू कलर आपके पास अवेलेबल हो तो ब्लू कलर कर लीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हाउ टू मेक. क्या कर रहे हैं हम, आप भी बनाना सीखेंगे. फ्लैग कैसे बनाएंगे, आप पहले स्केल लोगे, आप लाइन खींचोगे, आप टू लाइंस खींचोगे सिमिलरली पोल बनाने के लिए. ठीक है, उसके बाद क्या बनाओगे आप जल्दी से, इसके आप एक रेक्टेंगल शेप बनाओगे. ठीक है, रेक्टेंगल शेप बनाने के बाद आप क्या बनाओगे, फ्लैग बनाओगे. तो आप जानते हो फ्लैग कैसे बनता है, तो ज़रा आप बनाइएगा. तो ये मेरा फ्लैग का डायग्राम रेडी हो गया है. अब इसके बीच में हम क्या बनाएंगे, अपना क्या बनाएंगे, इसमें अशोक चक्र जो हमारे फ्लैग में प्रेजेंट रहता है. और कितनी इसमें स्टिक होती हैं, 24 होती हैं, आपको पता है ना, 24 स्टिक होती हैं. तो हमने अपना फ्लैग रेडी कर लिया है. अब हम इसका बेस थोड़ा सा अच्छे से डेकोरेट कर देते हैं. इसको बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें कलर कर देंगे, ट्राई कलर्स. आपको पता है ना, हमारे फ्लैग में ट्राई कलर्स होते हैं. कैन यू नेम दैट, क्या आप नेम उसको नेम बता सकते हो. तो ये हमारा क्या है, बेस हमने रेडी कर लिया है. तो हमारा ये बेस रेडी हो गया है और हमारा फ्लैग भी रेडी हो गया है. तो अब हम क्या करेंगे, इसको कलर करने के लिए हम इसका जो पोल बनाया है हमने, उसको हम कलर करेंगे अपने आपके पास जो भी अवेलेबल हो, पेंसिल कलर, क्रेयॉन्स, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप उससे क्या बना सकते हो, उसको कलर कर सकते हो उसके पोल को. तो अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से पोल को हम क्या कर लेंगे, अपने इस पेंसिल कलर से, ब्राउन के पेंसिल कलर से हम क्या करेंगे, कलर कर लेंगे. ठीक है, तो हमने इसको कलर कर लिया है. अब इसके बेस को हम कलर कर लेंगे. आपको पता है किस कलर से हमें कलर करना है, तो हम बेस पे आ जाते हैं. हमको बेस में कलर करना है ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन से. तो वाइट हमारी कॉपी ऑलरेडी है, तो हमें वाइट कलर यूज़ करने की नीड नहीं है. तो हम इस बेस को किस कलर में कलर करेंगे, फर्स्टली हम ऑरेंज कलर से कलर करेंगे इन दिस बॉक्स. फिर हम क्या करेंगे, वाइट कलर अगर अवेलेबल है तो वाइट कलर से करेंगे, नहीं तो हमारी कॉपी क्या है, वाइट कलर की ऑलरेडी है. और नेक्स्ट क्या करेंगे, हम ग्रीन कलर से इसको कलर करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द कलरिंग. तो हमारा बेस रेडी है, कलर कर दिया है हमने. अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी ब्लू कलर से डिटेलिंग करेंगे इन द मिडल जो हमारा ये था. इसमें हम ब्लू कलर से स्केच पेन हो तो स्केच पेन से, या फिर हमारे पास जो भी हमारे पास कलर अवेलेबल है उससे हम ये डिटेलिंग कर देंगे. ठीक है, लेट्स गो टू डेकोरेट द फ्लैग. तो आपको क्या करना है, अभी फ्लैग के अंदर ये सारी जो हमारी अवेलेबल है, हमारे पास जो कलर वाली दाल और हमारे पास राइस जो अवेलेबल है, हम उसको पेस्ट करेंगे. ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, फेविकॉल लगा लेंगे इसमें. फेविकॉल लगाने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम राइस को या फिर आपका जो भी आपको ऑरेंज कलर जो आपको क्या करना है, पेस्ट करना है, उसको आप क्या कर लोगे, पेस्ट करोगे अच्छे से फेविकॉल लगा के उसी बॉक्स के अंदर. और क्या करोगे, आपको ऑरेंज जो भी आपने कलर किया है राइस को, या तो फिर किसी और को जो भी आप दाल ले रहे हो, तो दाल से क्या करोगे, धीरे धीरे उसमें क्या करोगे, स्प्रेड करोगे और उसको पेस्ट कर दोगे. ठीक है, ऐसे ग्रीन कलर को भी आप पेस्ट करोगे. तो ये हमारा फ्लैग रेडी हो गया है, हमने पूरा अच्छे से पेस्ट कर लिया है, सैफ्रन वाइट एंड ग्रीन, प्लस हमने ब्लू कलर का चावल जो हमारा राइस है यहाँ पे हमने पेस्ट किया है. ठीक है, हम ओवरऑल व्यू देख लेते. तो अब ये हमारा रेडी हो चुका है फ्लैग. तो
ये एक्टिविटी आप फॉलो कीजिएगा, जैसे हमने बताया स्टेप बाय स्टेप आप बनाइएगा और आप उसकी फोटो अपने साथ खींच के फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिएगा। थैंक यू।